आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। प्रदेश की सरकार और शासन दोनों शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के कितने भी पुल बांधे पर शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कई जगह शिक्षा के मंदिर में ही व्यवस्थाओं को झकझोर कर रखा गया है। ऐसा ही एक शिक्षा का मंदिर बना मनमानी का शिकार। जी हाँ, तेंदुखेड़ा के ग्राम पंचायत बिलथारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कठई का है, जहाँ शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की मनमानी साफ देखी जा सकती है। यहाँ न समय पर स्कूल खुलता है, न शिक्षक समय पर आते हैं। यहाँ के स्कूल में कुल 17 बच्चे हैं और इनमें से 4 या 5 बच्चे ही स्कूल आते हैं। शालाओं में न सफाई की व्यवस्था है, न ही भोजन की। ग्रामीणों का भी आरोप है कि यहाँ अध्यापक अपनी मनमर्जी करते हैं, स्कूल चलते हैं, दारू पीते हैं, पत्ते खेलते हैं और आपस में लड़ते हैं। जब मीडिया ने शिक्षकों से बात की तो वो भी मीडिया के सवालों पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ऐसे ही सवारा जा सकेगा नवनिहालों का भविष्य। जब शिक्षा के मंदिर में ही हो बुरी लतों की शुरुआत, तो क्या होगा बच्चों के भविष्य का, ये तो सोचने वाली बात होगी। देखिए जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट, शिक्षा के मंदिर में मनमानी का नजारा। स्कूल कितने बजे खुला था? अब कितने बजे गए? इतने लेट खुलता है स्कूल? कौन सी कक्षा में हो तुम? दूसरी में। ठीक है, रुको, मैं घर में साहब नहीं रहा है, चले गए गांव पर। किस लिए? हमारे गांव में पहले ताश खेलता था और पत्ता दारू पीता था। अच्छा, वहां से आओ सीधे घर चला गया। दोनों लड़ाई आपस में लड़ रहे थे दोनों मां साहब? हां दोनों जने। किस कारण से? अब जो मालूम है किस कारण से लड़ रहे। सफाई कौन है? प्रधान पाठक की जवाबदारी है। अच्छा, यहाँ पर कोई चपरासी भी नहीं? नहीं, कुछ शिकायत की है आपने? शिकायत आप प्रधान पाठक करे, हम थोड़ी कर सकते। प्रधान पाठक कौन है? शंभूलाल। अभी आए नहीं वो? अभी नहीं आए। स्कूल का टाइम क्या? इतने लेट क्यों आते? रोज लेट होते हो कि आज ही हुए? और ग्रामीण का कहना है कि रोज लेट आते, ग्रामीणों का कहना है कि लेट आते हो आप। जी, सोमवार को स्कूल क्यों नहीं खुला? मंडे को स्कूल क्यों नहीं खुला? जी, किस लिए? सब लोग गए थे, दोनों जने गए थे। तो एक सर और है, वो कहाँ गए थे? आपको जानकारी नहीं है? आप कौन से पद पे हैं? धोबी से बालकिशन की रिपोर्ट।